वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल के लिहाज से बेहद अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले को न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से अपने नाम करते हुए टॉप 4 में अपनी दावेदारी पुख्ता कर ली है। अब सेमीफाइनल की एक और दावेदार पाकिस्तानी टीम पर दबाव बढ़ चुका है, जिसे अपना आखिरी लीग मैच शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। अब बाबर एंड कंपनी को न्यूजीलैंड के रन रेट से आगे निकलना है तो इंग्लैंड पर 287 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी, जो लगभग असंभव सा है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दुआ करनी थी कि श्रीलंका की टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर ले, या फिर यह मुकाबला बारिश की वजह से धुल जाए। अब न्यूजीलैंड ने इस मैच को अपने नाम कर लिया है तो उसके 10 पॉइंट हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को एक एक मैच खेलने हैं और दोनों के 8-8 पॉइंट हैं। अगर दोनों अपने मैच को अपने नाम कर लेते हैं तो उनके भी 10-10 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन इस स्थिति में पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 287 रनों या फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए 16 गेंद में ही मुकाबला अपने नाम करना होगा। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उसे साउथ अफ्रीका को 438 रनों से हराना होगा। आज के मैच में न्यूजीलैंड ने पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। श्रीलंका की टीम सिर्फ 171 रनों पर आउट हो गई। 23वें ओवर में 5 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। लगातार 4 मैच हार चुकी न्यूजीलैंड के लिए यह अहम मुकाबला था। भारत, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अब न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर दी है और जहां तक है उसका सामना अब भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस मैच में न्यूजीलैंड के लिए कॉनवे ने सबसे ज़्यादा 45, रचिन रविंद्र ने 42 और डेरल मिचेल ने 43 रनों की पारी खेली। अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें टीम सऊदी का भी साथ मिला और पहले पावर प्ले में ही श्रीलंका ने 5 विकेट खो दिए। कुशल परेरा ने जरूर 22 गेंदों में 50 ठोकी और 51 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके अलावा टीम का कोई बल्लेबाज नहीं चला। एक समय श्रीलंका का स्कोर 8 विकेट पर 113 रन हो गया था, लेकिन इसके बाद महेश तिक्षणा ने अंतिम 2 बल्लेबाज चमीरा और मधुशंका के साथ मिलकर टीम को किसी तरह 171 रनों तक पहुंचा दिया।